हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन से एक नई रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन और इसका ऊपर का जो पार्ट है उसको कट करके हटा दिया है और बीच का जो पार्ट है उसको हम कट करेंगे इस तरह से गोल गोल स्लाइस में कट करेंगे, चिप्स के जैसे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए कट कर लिए हमने। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी में डिप करके रख देंगे हम इनको ताकि ये काले ना पड़े। अब इनको रख देंगे हम एक तरफ। अब इसके लिए हम मसाले की तैयारी करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा ही चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। इसके साथ लेंगे हम एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और दो पिंच के करीब हींग ऐड करेंगे हम इसमें। आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और नमक डाल देंगे हम इसमें स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसमें लेंगे हम दही, ताज़ा दही है ये, दही ऐड कर देंगे इसमें हम। अब मिक्स कर देंगे सारे मसाले को। दही थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम दही और ऐड करेंगे यहाँ पर। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम ताकि सारा मसाला एक सार हो जाए अच्छे से। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो रहा है और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बन के रेडी होती है। सरसों मसाला हम रेडी कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब लेंगे हम बैंगन के पीसेस और इसमें दोनों तरफ से हम इस तरह से मसाले की कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप चम्मच की सहायता से करें या फिर हाथों से भी कर सकते हैं। इस स्लाइस में हम मसाले को अच्छे से डिप कर देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दिया हमने एक बड़े साइज का तवा। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तवा गर्म करेंगे हम और उसमें ऑयल प्रेस कर देंगे। अब ये जो पीसेस हमने मसाले लगा के रखे थे वो पीसेस हम इसमें इस तरह से रख देंगे। ये देखिए सारे पीसेस इस तरह से रख देंगे हम। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। और जो मसाला बचा है वो मसाला हम इस पर सारे पीसेस पे इस तरह से लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए इस तरह से। अब दो मिनट बाद इनको हम पलटते जाएंगे इस तरह से। एक तरफ से सिक जाते हैं दो मिनट में, दो मिनट के बाद इस तरह से पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाइए और दूसरी तरफ भी मसाला हम इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए अब इनको पलटते हुए सेकेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। हर दो मिनट में इनको पलटते रहना है ताकि ये जले नहीं। इस तरह से पलटते हुए सेक लेंगे। अब ढक देंगे यहाँ पर हम दो मिनट के लिए इसको। दो मिनट के बाद एक बार और इनको हम पलट देंगे। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। ये देखिए इस तरह से पलट देंगे हम और यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसमें चारों तरफ से इस तरह से फैलाते हुए ताकि सारे पीसेस में अच्छे से लग जाए। अब ढककर दो से तीन मिनट के लिए और पका लेंगे हम इनको। ये देखिए दो तीन मिनट हो गए हैं। अब एक बार और अच्छे से फ्लिप कर देते हैं इनको हम। ये देखिए 7 से 8 मिनट में काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं सारे पीसेस। इस तरह से ये रेडी हो चुके हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे हम। अब इनको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। इस तरह से सर्विंग कर देंगे इनकी। काफ़ी बढ़िया लगते हैं। इन्हें आप चपाती के साथ खाइए या सब्जी के साथ लीजिए, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। या फिर ऐसे ही टी टाइम में स्नैक्स आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।